सामाजिक बंदिशें और कई कुरीतियां आज भी प्यार करने वालों पर पहरा रखती हैं। करीब 6 दशक पहले दो रसूखदार परिवारों के बीच भी जाति के दायरे को तोड़ना आसान नहीं रहा था, लेकिन पटना के रहने वाले राजेश्वर और पुष्पा ने पूरी हिम्मत से हालातों का सामना किया और एक दूसरे से शादी। ये एक ऐसे जोड़ी की तस्वीर है जिन्होंने वैलेंटाइन डे को तब मायने दिया था जब वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन कपल की चर्चा भी नहीं होती थी। वाकई वक्त मोहब्बत की डगर पर कब हवा हो जाता है पता ही नहीं चलता। राजेश्वर और पुष्पा ने जिंदगी के 6 दशक साथ गुजारे हैं। जाति के बंधनों को तोड़कर उन्होंने उस दौर में प्रेम विवाह किया जब ऐसी शादियों के रास्ते में समाज बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। बहुत ज्यादा बंदिशें थी उस समय। हम आपको बता दें कि मैं कुछ एक दो ठों का नाम लूंगा। उस समय IG अखौरी थे, माई प्रसाद एडवोकेट जनरल थे, कृष्णवल्लभ बाबू थे, मंत्री थे। लेकिन साथ साथ जब उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ते जयदेव का लड़का है, और वो तो बहुत शिक्षित परिवार है, लड़का जो है शिक्षित और परिवार ही बहुत शिक्षित है। खास बैरियर था समाज, बैरियर था कि मुझे अरेस्ट करने की बात हुई। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो में अनाउंस कर रहा है, ये कर रहा, चारों तरफ हंगामा, लोग बड़ा पकड़ के मारो। राजेश्वर प्रसाद के पिता जयदेव प्रसाद पटना शहर के मेयर थे। वहीं पुष्पा के परिवार का नाता देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा था। दो रसूखदार परिवारों के लिए उस वक्त भी जाति के दायरे को तोड़ना इतना आसान नहीं था। राजेश्वर और पुष्पा ने बड़ी हिम्मत दिखाई और शादी की, और आज इनके प्रेम विवाह की मिसाल पटना में दी जाती है। आज भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो राजेश और पुष्पा को, और हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है। तो वो जो है सो एक ऐसा नहीं कि हम आए, ये तो जीवन पर्यंत रहना चाहिए। हम बैलेंस नहीं देंगे, मतलब है कि आप उनमें रहिए, आप हम में रहें। इन दिनों पुष्पा बीमारी की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाती। राजेश्वर प्रसाद साये की तरह हमेशा उनके साथ रहते हैं। मोहब्बत के तराने जुबान पर ही नहीं इन दोनों के दिलों में भी गूंजते रहते हैं। 6 दशक होने को आए, प्यार आज भी बरकरार है। अगर साथ में हंसते हैं तो साथ में रोते भी हैं। भले ही शारीरिक बंदिशें हों, मगर सपनों की उड़ान की आज भी कमी नहीं है, और इन जैसे वैलेंटाइन कपल आने वाले कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विजय सचंद्र के साथ रजनी सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।